जहां देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं समस्तीपुर के किसान द्वारा अपनी हरी भरी गोभी की फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का मामला सामने आया था, जिसमें किसान ने गोभी की फसल पर ट्रैक्टर से हल चलाकर खेत में लगे फसल को खत्म कर दिया था। जब ये खबर चैनलों और अखबारों में छपी तो सरकारी अधिकारी किसान के घर पहुँचे और मामले का संज्ञान लिया। सरकार की पहल पर पीड़ित किसान से अधिकारियों ने संपर्क किया। मामला कुछ चैनल के द्वारा जो हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। क्या करने के लिए आए हुए हैं आपसे? वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। तो बताएंगे आपसे कि आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। क्या रेट में आपसे माल खरीदा है? 10 रुपया में खरीद रहे हैं। क्या क्या चीज़ है आपके पास? गोभी। इससे पहले आपने कितना बीघे की गोभी को नष्ट किए थे? 4.5 बीघा को नष्ट किए थे। कितना की लागत की थी वो? लगभग 4 लाख रुपया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है आपको? जी, थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है। और कौन सा कहां से आए हुए हैं ये लोग? ये लोग आए हुए हैं CAC वसुधा केंद्र के द्वारा आपका माल खरीदने के लिए। जी जी। क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है? जी जी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कल हो गया। अब इस किसान की बाकी की गोभी की फसल को 10 रुपए किलो की दर से खरीद कर हैदराबाद भेजा गया। ऑनलाइन माध्यम से एक कंपनी ने फिलहाल 4 टन गोभी खरीद कर रवाना कर दिया है, जो अब वहां की मंडियों में बिकेगा। मैं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में मुक्तापुर पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमारे एक किसान है जी, ओम प्रकाश जी। कुछ दिन पहले इन्होंने मंडियों में इनका जो फसल है वो 1 रुपए के भाव से बिकवाली के लिए ये हो रहा था, तो इन्होंने जो आवेश में आकर फसल को नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली तो CAC के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्रीटेनेक्स जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद की मंडी में बेचा जा रहा है। अब इसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है। इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़ तो फिर हम लोग उसके और भी खरीदारी करवाएंगे। तो सर अभी मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है? यहाँ लोकल मंडी में तो 3-4 रुपए के हिसाब से जो है रेट चल रहा है इनके कहना अनुसार। इसी वजह से इन्होंने अपना फसल नष्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है 10 रुपए के हिसाब से इनका फसल खरीद रहे हैं। कितना टन फसल खरीदे आप? 4 टन फसल ले रहे हैं। क्या आगे भी इनका फसल खरीदेंगे? जी बिल्कुल, जो भी फसल के लिए रिक्वायरमेंट आएगा उनके लिए एक बार तो हमने इनका रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब अलग अलग फसलों के लिए ये भी अपना प्रोडक्ट अपलोड करेंगे और उनका जो क्वांटिटी है वो भी अपलोड करेंगे, कितना ये बेचना चाहते हैं, और फिर जो है हम लोग वहाँ से जो भी व्यापारी वहाँ से खरीदना चाहेंगे उसको कोट करा के फिर इनको फसल इनका लेंगे। सर जो किसान और भी कुछ किसान हैं उनके बारे में क्या कहना है, वो किस तरह से आपसे संपर्क करें और आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करें उसके बारे में बताना चाहें? देखिए, वसुधा केंद्र के माध्यम से चूंकि हो रहा है और वसुधा केंद्र के वेबसाइट पे जो है ये चीज़ अवेलेबल है, तो ये लोग वहाँ से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और फसल को जो है उस पे बेच सकते हैं। एक और कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसान इस भीषण ठंड में भी आंदोलित है। वहीं दूसरी ओर फसलों के मूल्य को लेकर बिहार के किसान भी काफी बेबस है। बता दें कि समस्तीपुर जिले में एक किसान ने गोभी की अपनी तैयार फसल को ट्रैक्टर चलाकर खेतों में ही जमींदोज कर दिया। गुस्सा यूं ही नहीं था, खेती में 4,000 रुपए प्रति कट्टा का खर्च किया, लेकिन बाजार में बेचने की बारी आई तो पता चला कि गोभी के रेट कौड़ियों के भाव के बराबर हो गए हैं, यानी 1 रुपए प्रति किलो से भी कम। ऐसे में उसकी फसल की कीमत सही नहीं मिले तो किसान क्या करेगा? समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।